सर, दो तारीख फरवरी मैंने जो यहाँ पर चंद पॉइंट्स अपने भाषण में उठाए थे उसको रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पहला जो मेरा रिमार्क्स एक्सपेंज हुआ है, कारण बताता हूँ ना। इफ यू विल रीड व्हाट हैज बीन एक्सपेंस्ड विल नॉट बी एप्रोप्रिएट, सो यू प्लीज इंडिकेट द प्रेमिस ऑफ इट, आई एम ओपन टू इट, प्लीज आई वांट योर कम्युनिकेशन, प्लीज सर। एक्सपेंज हुए हैं, मैंने उनमें किसी का भी नाम नहीं लिया, तो किसी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है, जो मेरे रिमार्क्स एक्सपेंज हुए हैं उसमें रूल्स के मुताबिक किसी भी पर्सन इन हाई अथॉरिटी के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया गया। रूल 238 5 ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा के एक्सप्लेनेशन में साफ साफ पर्सन इन हाई अथॉरिटी का मतलब लिखा गया है, अगर मैं आप इजाजत दे तो वो भी पढ़ूंगा। प्लीज सर, प्लीज। तो पढ़ूंगा, 238 ये रूल ये कहता है, नो एलिगेशन ऑफ ए डिफेमेटरी और इनक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड बाय ए मेंबर अगेंस्ट एनी अदर मेंबर और ए मेंबर ऑफ द हाउस अनलेस द मेंबर मेकिंग द एलिगेशन हैज गिवन ए प्रीवियस इंटीमेशन टू द चेयरमैन एंड ऑल्सो टू द मिनिस्टर कंसर्न सो दैट द मिनिस्टर मे बी एबल टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन इन टू द मैटर ऑफ द पर्पज ऑफ रिप्लाई provided that the chairman may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is opinion that such allegations are derogatory to the dignity of the council or that no public interest is served by making such allegation. This is rule 238 aur 5 mein ye bhi kaha hai ki इस रूल्स के मुताबिक मैं रिफ्लेक्ट अपॉन द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन इन हाई अथॉरिटी अनलेस डिस्कशन इज बेस्ड ऑन सब्सटेंटिव मोशन ड्रॉन इन ए प्रॉपर टर्म्स। सब ये 238(5) सब क्लॉज के मुताबिक हो या 238(a) के मुताबिक हो, मैंने कभी इसका उल्लंघन नहीं किया। और दूसरा, जो भी ये पर्सन इन हाई अथॉरिटी का मतलब मैंने आपके सामने रखा है कि इस डेफिनेशन में कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से कवर नहीं होता, क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री के खिलाफ सर, कोई भी सब्सटेंटिव मोशन नहीं लाया गया। सर, एक्सप्लेनेशन टू रूल 38 पढ़ने के बाद, रूल 38 एक्सप्लेनेशन। नहीं, मैं बोलता हूँ, फिर आपके बाद मैं आप कह दीजिए इसके मुताबिक है तो मेरा कोई। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरे इसमें रूल्स के मुताबिक प्रियर नोटिस का भी कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि ना तो जिनकी बात हो रही थी वो इस हाउस के सदस्य है और जो मैंने बोला वो बिल्कुल फैक्चुअल सिचुएशन पर बेस्ड था। मैंने जिस ट्वीट का जिक्र किया वो फैक्चुअली बिल्कुल सही है, बाद में स्पष्टीकरण जरूर आया, लेकिन मैंने जो भी बोला वो फैक्ट्स के आधार पर बोला। सर, राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक ऐसा मौका होता है जब हमें कई विषयों पर
व्यापक चर्चा करने पर मौका मिलता है तो मुझे लगा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो ये मेरा कर्तव्य और हक है कि मैं इस मुद्दों को सदन में उठाऊं। मैंने बोलते हुए ना ही किसी मुख्यमंत्री का नाम लिया, ना ही किसी राज्य को राज्य से उस राज्य का नाम लिया, उसका जिक्र भी नहीं किया। इसीलिए जो मेरे शब्दों को एक्सपंज किया गया उस पर मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की प्रोसीडिंग्स में इन रिमार्क्स को पुनर्स्थापित किया जाए और उन शब्दों को पूरे दो पेज का आपने काट दिया साहब, दो पेज का मेरा भाषण काटने के बाद उसका उद्देश्य अलग अलग होता है, क्योंकि मैंने परसों बोला 400 पार का आपने गड़बड़ किया, उसमें क्या हो गया कि लोग के अरे बैठो भाई चुप सुनो, तो आपने क्या कहा गड़बड़ शुरू हो गई, वो शब्द प्लीज नो इस बार भी बोले वो आगे था, When the leader of the opposition is on his lips, I expect you can appreciate, but you cannot raise a disturbance. Please. No, nothing. Yes. तो साहब क्या होता है, ये अर्थ का अनर्थ होता है, तो जब आप गड़बड़ करके आप स्टॉप कर देते हो, आगे के शब्द को आप निकाल देते हैं। आपने बोला इस तरीके से था। नहीं, वो आपकी है, आपके आगे मैं पढ़ूं, आपके आगे आगे था क्या कि पूरा गड़बड़ हुआ, क्या बोलते हैं हिंदी में व्यवस्थान, क्या व्यवधान, तो आपने लिखा उसके सामने तो वो शब्द चले गया दूसरा, तो ये मैं कह रहा हूं कि इसके लिए पूरा देखिए 1:55 में मैंने अछूत शब्द का इस्तेमाल किया था, फिर दो बार सर वो मत पढ़िए, मैंने एक्सपेंस किया हुआ है। नहीं, अरे मैं तो वो वांट, मेरे को एक्सपेंस का ही होना है, मेरे को दूसरा नहीं है, मेरे को होना है एक्सपेंस का। देखिए 2 ऑनवर्ड्स दी एक्सपेंस्ड पोर्शन मे नॉट बी रेड, पढ़ाना अछूत है, अछूत सर हैज बीन हेल्ड बाय अनपार्लियामेंट्री। No. अरे एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान 17 आर्टिकल में है। खड़गे जी आज मैं शीशे में 2 देख कर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें, क्योंकि उनको मेरे से देख कर बोलना है, तो आप भी इधर ही देख कर बोले सर। ओ आप ही के तरफ, आपको दो देखने के बाद मुझे खुशी होती है कि इतने सीनियर वकील जय सब आप हैं इधर, देखे तो हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। कभी कभी क्या होता है साहब, सत्य बात जब हम कहते हैं तो जरा आप उधर ही ज़्यादा देखते हैं, उस वक्त आपको आकर्षण करने के लिए हमको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और 2:55 हुआ, 2 हो गया, और 2 ऑनवर्ड्स उसमें भी आपने वो काट दिया, फिर 2:40 को आपने काट दिया। देखिए तो मैं ये इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो हम कहना चाहते हैं उसको तोड़ मोड़ के अगर पढ़ेंगे लोग तो क्या होगा, अरे ये आपने जो चीज़ें बोली है इसमें नहीं है। मेरे को हर दफा हो रहा है, दिस इज द सेकेंड और थर्ड टाइम माई स्पीचेस आर कट एंड दिस इज दी लेटर आई हैव रिटर्न टू यू एंड मैं बाहर प्रेस को नहीं बोलना चाहता था अनलेस आई कैन ब्रिंग टू योर नोटिस, व्हाट इज दिस सर एवरी टाइम। एंड यहाँ पर तो मनुस्मृति के बारे में sir, इतना बोला गया है sir, इतनी चर्चा हो गई है और मैं जब बोलता हूँ उसको निकाल देते हैं, व्हाट इज दिस ये sir, इसीलिए मैं कृपया करके आप उसको उन निकाल जो आपने निकाला है वो पूरे पेज को आप रख दीजिए, यही मेरी आपसे अपील है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।